हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एक नए दिन की शुरुआत होती है नए व्लॉग के साथ और आपके साथ। तो बस अभी ऑफिस के लिए तो निकल गया हूँ मैं, और एक्चुअली क्या अभी 3:30 बजे घर पे आया था, मैं कम मिला है और आज लेट हो गया। और उससे पहले बीच मुझे काम खत्म करना है, बैंक में जाना है। लास्ट वीक जो काम था वो तो सारा हो गया था, लेकिन एक पेपर वर्क पेंडिंग रह गया था। कल भी फोन आया था लेकिन कल मैं नहीं जा सका था, तो इसके पहले जाना है बैंक। और बैंक यहाँ पे ये ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक नहीं है, मतलब मल के आसपास ही है, एरिया में है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उधर जाने और आने में। और फिर वहाँ से डायरेक्ट निकल जाऊँगा उधर ऑफिस के लिए। और बाकी ऐसा है अभी कि ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा हो गया है। इसका रीजन ये है कि एक्चुअली पहले हम 3 जने थे, काम में पूरा टाइम कैसे जाता है कुछ पता नहीं चलता, तो बिजी निकल जाता है शेड्यूल ऑफिस के आवर्स में। कभी कभी ब्रेक भी थोड़ा लेट हो जाता है। वैसे मैं 1 से 1:30 बजे में फिक्स है, 1 बजे हम लोग खा ही लेते हैं, बट फिर अभी क्या हो रहा है कि कभी 1:30 बजता है, कभी 2 बजते हैं। कल तो 3 बज गए थे, और एक्चुअली कल तो ब्रेक भी नहीं लेना था, बट 5-10 मिनट का मैंने ले लिया था, क्योंकि कल थोड़ा जल्दी निकलना था। जो मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि क्या रीजन था, बैंक है राइट हैंड साइड पे, बेस्ट बैंक लगता है मुझे अब तक का, सबसे बोगस मुझे लगता है SBI। सबके खाने के बाद भी अब तक काम तो बाकी का बाकी रहेगा, और यहाँ पे एक ही बार में हो जाता है, मतलब बहुत ही सही बैंक है। पहुँच गए यहाँ पे, जाते हैं ऊपर। चौकड़ी यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक मिलता है, रीजन ये है। सीधा जाएंगे तो पारुल है, पायोनियर है, वो सब कॉलेज है। जिस साइड से मैं आया उस साइड सब PG में स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं। इस साइड से सिटी से आने का रास्ता है, सब इस साइड जाना है, और इस साइड से भी आने वाले कॉलेज इस साइड जाते हैं। मतलब ये रोड पे ट्रैफिक हमेशा रहता ही है, इतना खड़े खड़े हैं ना हेलमेट के, मिरर में रोक जम गया, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उस वजह से ही है। कुछ रास्ता करना पड़ेगा, रोक वाली सीट आती है वो लगवानी पड़ेगी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। करना तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम सेट नहीं हो रहा है जॉब की वजह से। जॉब का टाइमिंग भी ऐसा है ना कि थोड़ा सेट करना मुश्किल है। जैसे हर्ष आ गया तभी सब शॉपिंग वगैरह भी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए भी टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ऑफिस में बात करके थोड़ा टाइमिंग वगैरह चेंज करवा लो, यार अभी टाइम भी ज्यादा बचा नहीं है, और वो भी आ गया है तो मैनेज भी करना पड़ेगा। तो अभी जो 10 to 7 या मेरा 11-8 बजे का टाइम है, उसके लिए मैं 6 बजे तक का करवा लेता हूँ, थोड़ा अर्ली आ जाऊँ मुझे सुबह। पहुँच गया ऑफिस, तो अभी चलता हूँ ऊपर, काम वगैरह स्टार्ट करता हूँ। आज का ऑफिस का दिन यहीं पे खत्म हो रहा है, और अभी मैं निकलता हूँ घर के लिए। कल मैं लेट हो रहा है बिकॉज सुबह में लेट आया था, और लेट किस वजह से आया था आपको पता है, कि एयरपोर्ट गया था, लेट आया था, सोया नहीं था, और लेट उठा, और फिर ऑफिस भी लेट आया इस वजह से। और अभी टाइम हो रहा है 8:30, और अभी जाता हूँ घर पे, तो मैं मिलता हूँ सीधा आपको बाइक पे अपने काम पे। अभी नीचे पार्किंग में खड़ी है बस, तो उसको शुरू करते हैं और मिलते हैं आपको सीधा बाइक पर। करते हैं रामू को, निकल रहे हैं घर के लिए। आज वैसे भी बहुत लेट हो गया है, और जाके वीडियो वगैरह एडिटिंग भी करना है, तो लेट हो जाएगा सोने में फिर से। वैसे भी कल रात की नींद पूरी नहीं हुई है, बहुत नींद आ रही है, तो वीडियो तो एडिट पहले करना पड़ेगा, उसके बाद फिर करके सो जाएंगे, सुबह लेट उठेंगे। और जिम जाना तो बंद ही हो गया है अभी, और अभी जिम जाना तो बंद ही हो गया यार, मतलब लिंक टूटी है तो जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, मतलब इच्छा ही नहीं होती अभी जाने की। तो अभी वापस कुछ भी करके स्टार्ट करना ही पड़ेगा वापस। एक बढ़िया हेलमेट देखा है मैंने, मैंने ऑनलाइन देखा है, यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, तो मुझे साइज पहले चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी साइज का आता है मुझे, क्योंकि मुझे एक्चुअल साइज नहीं पता है कि हेलमेट में कैसे साइज आती क्या है। मुझे ऐसा था कि सभी हेलमेट की साइज एक ही आती है, मतलब एक ही साइज का होता होगा फ्री साइज। तो अभी शॉप पे जाकर पहले चेक करके आऊंगा मैं हेलमेट का साइज कौन सा आता है मेरे को, उस हिसाब से फिर मैं हेलमेट ऑर्डर करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सही लगा है और प्राइस भी ज्यादा नहीं है। कल से लगभग शॉपिंग वगैरह भी स्टार्ट करनी है, क्योंकि हर्ट भी आ गया है, तो अभी जो भी है मतलब सब स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि टाइम भी ज्यादा नहीं है अभी, मतलब कम भी नहीं बचे, 10-12 दिन ही बचे हैं। और ऑफिस का भी मैंने टाइमिंग वगैरह चेंज करवा दिया है, तो अभी मैं जल्दी छूट जाऊंगा, और इवनिंग में जो भी काम है वो हम लोग इवनिंग में काम थोड़ा थोड़ा करके खत्म करते जाएंगे, ताकि क्या फिर एंड में फिर भागा दौड़ी ना हो। तो आज का तो कुछ प्लान नहीं है वैसे भी, और होगा तो भी वो लोग गए होंगे, मैं नहीं आज पॉसिबल हुआ मेरे से, क्योंकि आज मैं ऑफिस से ही लेट छूटने वाला था, और दूसरा कि आज थक गए थे बहुत, तो जैसे मेरा तो पॉसिबल नहीं है, तो मतलब कल से या परसों से स्टार्ट कर लेंगे जो भी वगैरह काम वगैरह पेंडिंग है, अभी शॉपिंग वगैरह करनी है। क्योंकि देखो बाकी लोगों के जो कपड़े वगैरह थे हम लोग ने मेजरमेंट करवा के वो सब तो हमने रेडी करवा दिए, जो पेंडिंग था मेरा था, हर्ष का था, मनसुख था, अनुराग, हम लोग का पेंडिंग है, तो वो सिर्फ आप डिसाइड करके वो फाइनलाइज करना है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, फटाफट हो जाएगा। बिकॉज पता है आपको लड़कों के कपड़े को चूज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में तो रेडी, तो उसको अपना टाइम नहीं लगेगा, फिर बाकी इधर उधर का जो काम होगा वो भी करते जाएंगे। और हम लोग का क्या है कि पैटर्न वगैरह सब रेडी है, हमको कैसा क्या लेना है वो सब ऑलरेडी डिसाइडेड ही है, तो उसमें भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसी वजह से अपना काम जल्दी खत्म हो जाएगा।
बस तो इसी के साथ पहुंच गए हम लोग सोसाइटी में, यहीं पे अपना आज का दिन समाप्त होता है। तो मिलते हैं कल के फ्रेश व्लॉग में, बढ़िया व्लॉग में, और नए हो चैनल पे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। टाटा बाय बाय।